अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं।
अरे नहीं ऊपर नहीं, नहीं नहीं गलत है ये चीटिंग है। मैं क्या गलत है? हाँ, ये बराबर तेरी चाल है ना। सुनो ये पेरुंथुरुतु गर्ल्स हाई स्कूल कहाँ है? मारे टीचर। हाँ मैं शिव प्रसाद स्कूल का प्यून। सर ने कहा था आप आज आने वाली हैं, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था। आइए ना। स्कूटर है ना, आपको इस पर डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं। सर है अंदर? हाँ है ना। आइए अंदर जाइए। सर। यस। सर मैं मारिया फ्रांसिस, यहाँ की नई फिजिकल एजुकेशन टीचर। हाय ये मारिया टीचर, बैठिए। ये विनोद है, ये यहाँ पर अकाउंट संभालते हैं। ओके। सर ने बताया था आप आज आने वाली हैं। वैसे कहाँ से हैं आप? तिरुवनंतपुरम। और फैमिली में कौन कौन है? हस्बैंड का वहाँ पर बिजनेस है। मैरिड हैं आप? हाँ। और आपके माता पिता? वो बहुत पहले गुजर गए। विनोद तुमने लिख लिया ना? हाँ लिख रहा हूँ सर। थोड़ा जल्दी करो, ये आपकी पहली नौकरी है ना? हाँ सर। हाँ देखो गलत मत समझना, क्या है कि इस स्कूल की हालत बहुत खराब है। 20 साल पहले मैं यहाँ आया था और अब मेरे रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे हैं। मुश्किल से 150 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। देखिए क्या है कि हाई स्कूल के बाद आधे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ क्या कर सकती हैं ये आपको देखना होगा। जब कोई पीटी टीचर नहीं था तब ये विनोद ही स्पोर्ट्स देखता था। आप यहाँ साइन कर दो। जी बस छोटा मोटा काम। अच्छा तो आप एथलीट हैं? कह सकते हैं। क्या ये आपको एथलीट जैसा दिखता है टीचर? सर को पता नहीं है, मैंने हाई जम्प कई बार किया हुआ है। जी सर। आओ शिवा, मारिया टीचर को घर दिखा दो। हाँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो शिवा से कह दीजिएगा। इसे यहाँ आए सिर्फ 2 साल हुए हैं पर यह इस जगह को यहाँ के लोगों से ज्यादा जानता है। और अगर आपको थोड़ी मदद की जरूरत है तो हम तो हाँ। हैं ही ना। ओके ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। छोड़ो एक दूसरे को, क्या कर रही हो? रुको। मारिया, दरवाजा खोलो। हाँ? सर क्या हुआ? चेहरे को क्या हुआ तुम्हारे? कुछ इशू हो गया। अरे क्या? वो ग्राउंड में मेरी किसी से लड़ाई पर हो गई। क्यों? किस लिए? पैसे का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो प्लीज। अच्छा एक काम करो, तुम और मम्मी ना श्रुति के घर चली जाओ। क्या मतलब? या बाबू को फोन कर लो ठीक है, या फिर तुम पॉल के घर चली जाओ, अब वहाँ ज्यादा सेफ रहोगे ठीक है। मैं फोन करता रहूंगा, टेंशन मत लो। बाय। आप कहाँ की रहने वाली हैं? तिरुवनंतपुरम। और फैमिली वगैरह? ये तो मैरिड है, हस्बैंड वहीं पे रहते हैं। हस्बैंड क्या करते? उनका बिजनेस है। बिजनेस तो तुम्हें सब पता है? अब इसमें बच्चों की क्या गलती है? उन्हें कैसे पता होगा कि ये पीटी आवर है या फिर ये सोने का टाइम है या फिर ये उनके झगड़ने का टाइम है? बच्चे ऐसे ही होते हैं मैम। वैसे आप ये ऑमलेट खाने वाली है ना? अरे आप कह रही हैं तो मैं ही खा लेता हूँ।
कुवारिया, बेटा आम का अचार खाना तुमने बंद कर दिया? पहले तो इसे कोई भी छूता तो तुम चिल्लाती थी। लो खाओ। तो बताओ, नई नौकरी कैसी चल रही है? बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया होगा। पता नहीं पापा, ये वाले स्कूल को पीटी टीचर की जरूरत नहीं है, और मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। और आपको तो पता ही है कि बेन का काम चल नहीं रहा है, मुझे ये जॉब करनी ही पड़ेगी, इसीलिए मैं... मतलब तुमने हार मान ली है? नहीं पापा, सच कहूँ तो इन बच्चों को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। पता है तुम जब छोटी थी ना, तुम भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उन्हें थोड़ा टाइम दो बेटा, अपने तरीके आजमाने से पहले तुम समझने की कोशिश करो कि बच्चे क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। एक अच्छा टीचर सिर्फ उन्हें सिखाता नहीं है, उनसे सीखता भी है। बस बस, बहुत खा लिया आपने, छोड़िए छोड़िए पापा, बहुत हो गया। खाने देती ना, चम्मच ही गिरा दिया आपने। टीचर, आ जाओ। टीचर, हमारी अभी कोई क्लास नहीं है। तो क्या हम खो खो खेलने जाए टीचर? टीचर प्लीज, प्लीज टीचर खेलने लीजिए ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, खेलने दूंगी, पर तुम्हें मुझे भी सिखाना होगा खो खो। हाँ ठीक है, हाँ सिखा देंगे। ये क्या है टीचर? सर, वो दरअसल एक हाई स्कूल लेवल की खो खो टीम बनाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए होगी। प्लान ये है कि खेलने वालों में से बेस्ट लोगों की एक टीम बनाएंगे हम लोग। देखो, यहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी मेहनत नहीं भी करोगी तो तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। बस तुम इतना करो कि उन्हें कभी कभी छोटा मोटा एक्सरसाइज करवा दिया करो। तो क्या आप इस छुआ पटक खेल की टीम भी बनाना चाहती हैं क्या? सर, ये कोई छुआ पटक खेल नहीं, खो खो है। और आपको पता है ये तो नेशनल गेम्स का भी एक हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी टीम बनाने में आखिर इतनी प्रॉब्लम क्या है। आप अपना कीमती वक्त इसमें क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? सर, मुझे लगता है टीचर यहाँ की चीजें अच्छे से समझ नहीं पा रही हैं। देखिए सर, बच्चों का फायदा इसी में है कि वो पढ़ाई करके अपने एग्जाम पास करें। और सर एक बात बताइए, अगर बच्चे खेल वेल में गिर के घायल हो गए तो उसका इल्जाम तो हम ही पे आएगा ना सर? और मुझे नहीं लगता बच्चों को भविष्य में इससे फायदा मिलेगा। सर, मेरी जिंदगी स्पोर्ट्स की वजह से ही है, ये जॉब भी उसी से है, तो ये एक बकवास आर्गुमेंट है। देखिए सर, ये इनकी पहली जॉब है और पहली जॉब के हिसाब से बहुत एक्साइटेड है, पर पिछली बार जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आए थे तो उन्होंने कहा था अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम स्कूल बंद कर देंगे। और सर आप ही ने तो कहा था जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, वरना जो सैलरी आ रही है वो भी आनी बंद हो जाएगी, है ना सर? मैं यहाँ सिर्फ सैलरी लेने नहीं आई हूँ, ये मेरा काम है। मारिया, इस महीने की 11-12 तारीख तक टीम सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू सर। अरे सुनिए ना सर, आप मेरे साथ थोड़ा बाहर आइए, हम अकेले में बात कर लेते हैं। देखो विनोद, कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने सेटलमेंट का इंतजार नहीं करते, बच्चों को खेलने दो। हाँ क्यों नहीं, क्या पता यहाँ पर कोई पीटी उषा या सानिया मिर्जा हो। पीटी उषा यहाँ पर। विनोद, तुम मारिया टीचर की हेल्प करोगे, जाओ। थैंक यू सर। ओके ओके। मारिया सर, तुम्हारी टाइमिंग इंप्रूव हुई है। हाँ। लेकिन ये नेशनल गेम्स के लिए काफी नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें ब्रॉन्ज मिल जाएगा। नहीं सर, इस बार गोल्ड ही आएगा। यहाँ से जाने के बाद अपनी डाइट पर ध्यान रखना, समझी? हाँ। ओके ओके, तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। ओके।
जल्दी जल्दी चलो, कोच का आज मूड सही नहीं है। तुम लेट क्यों हो गए? अरे वो आंख लग गई थी, ट्रेन भी मिस हो गई। कोच को मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? 6 महीने बाद नेशनल गेम्स है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे हो जाऊंगा ना बाबा, गुस्सा मत करो। हाँ मम्मी का पैर दर्द कैसा है अब? बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अरे एक चीज दिखाना तो भूल ही गई। ये क्या है? देखो तो कैसा है ये? बहुत अच्छा है, मारिया फ्रांसिस। चलो पहनाओ। अरे नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? बकवास मत करो, पहनाओ पहनाओ। बहुत जिद्दी हो। कैसा है? परफेक्ट है। इन्हें पहनकर नेशनल गेम्स में दौड़ना, कमाल लगोगी तुम। ये नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं? पापा से प्रॉमिस किया था इन्हें इंडियन जर्सी के साथ ही पहनूंगी। सही है, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा देखना। मीनाक्षी, नंदना, अंजना, श्रीलक्ष्मी, दीपिका, नवमी, सारामा, yes, teacher. मितुमोल, संजना, गौरी, लिटी, आज से तुम 12 लड़कियां स्कूल की खो खो टीम का हिस्सा हो। अब इस गेम को थोड़ा सीरियस लेना होगा। आने वाले सब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में तुम सबको हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा। टीम की कैप्टन अंजू होगी और शिवा होंगे टीम के मैनेजर। क्या मैं?
तो शुरू करें। थोड़ा और तेज। 9, 10। मीनाक्षी क्या कर रही हो तुम? हाँ और तेज। क्या है? लेटो मत, उठो, भागो, रन। कूद नहीं सकती, जंप। 3, 4। टेन। ऐसी स्पीड में जीतोगी? हाँ तुम्हें खो खो खेलना है या हाइड एंड सीख? ऐसे चेस करते हैं, डिफेंडर तुम्हारा इंतजार करेगा क्या? हाँ ऐसी स्पीड में खो खो खेला जाता है क्या? टीचर यहाँ पे बहुत गर्मी है। जब तुम गर्मी झेल नहीं सकती हो तो खेलने क्यों आई यहाँ? क्लास में जाकर बैठो, उठो यहाँ से, जाओ क्लास में। धूप में खड़ी नहीं हो सकती और स्पोर्ट्स खेलने चली। टीचर थोड़ा पानी चाहिए। सिर्फ पानी चाहिए? और कुछ मंगवा दूं? इतना सभी डेडिकेशन नहीं है। मैं तो छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। वो प्रैक्टिस करवा रही है, बदला ले रही है ऐसी भयानक धूप में। हे भगवान, ये देखो मैं तो धूप में खेल खेल के कितनी काली हो गई हूँ। हाँ ऐसे कह रहे जैसे पहले दूध की तरह गोरी थी। अब क्या करेंगे? अंजू तू छोड़ेगी तो मैं भी छोड़ दूंगी। हाँ तो छोड़ दे। सब छोड़ेंगे तो मैं भी मना कर दूंगी, पक्का। तू खेलेगी? हाँ खेलूंगी, टीचर की बात माननी चाहिए। हाँ लिटी तू? हाँ बोल। हाँ खेलूंगी। तू खेलेगी? नहीं नहीं खेलूंगी। हाँ अब कही ना सही बात। और तू भी नहीं खेलेगी? ये सही नहीं है, हमें टीचर की बात माननी चाहिए। हम नहीं खेलेंगे, मैंने बोल दिया ना। बस Well, you ain't gonna worry more, cause I'ma be alone. Oh, 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 oh. Dum, 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 dum. क्यों बुलाया? मुझे क्या पता? टीचर आ गई। आराम से बैठो, प्रैक्टिस के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। मैंने मिठाई बनाई है, टेस्ट करो, सबको दो। टीचर ये मस्त है। मेरे पापा की रेसिपी है, मेरी फेवरेट है ये। टीचर पापा से कहिए ना और बनाने के लिए। पहले जब मैं प्रैक्टिस के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती थी और घर जाती थी, तब अगले दिन से पहले ही मुझे आलस आने लगता था। तब पापा ये बनाते थे। तब मैं उनसे पूछती थी कि क्या स्पेशल है, तो वो कहते थे आज तुमने ग्राउंड पर अपना 101% दिया है, तो आज सेलिब्रेशन है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारी उम्र का ख्याल नहीं किया। तुम सब लोगों का खो खो का पैशन देख कर मैं खुश हो गई और बहुत एक्साइटेड हो गई।
इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बड़े सपनों को अचीव करने के सफर में मुझे बीच में ही हटना पड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। शायद मुझे इसका अफसोस जिंदगी में हमेशा रहेगा। मैंने उन पर फोकस किया जो मुझसे मुकाबला करते थे। मैं हमेशा से उनकी तरह बनना और करना चाहती थी, और इन सब में मैं अपने अंदर देखना भूल गई, अपने ऊपर भरोसा करना भूल गई। फिर बाद में एहसास हुआ कि मैं किसी और की तरह नहीं बन सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुम लोग बहुत स्पेशल हो। मुझे तुम लोगों से उम्मीद और तुम्हारे ऊपर भरोसा दोनों है। अगर तुम चाहो तो हम इस खेल में बहुत आगे जा सकते हैं। हम इस जगह से बाहर निकलकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पता है ना तुम्हें? वहां जाकर तुम्हारे पंख लग जाएंगे और तुम उन्हें फैलाकर ऊंचा उड़ सकती हो। एक ऐसी जगह जो तुम हासिल करोगी, एक खूबसूरत दुनिया। टीचर, अगर आपको स्पोर्ट्स इतना पसंद था, फिर आपने वो सपना छोड़ क्यों दिया? क्या हुआ? तुम सिर्फ अपना ही लेटर लाए? सिर्फ रिले टीम में हुआ सिलेक्शन? खैर जाने दो, अगले साल के लिए और अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा नेशनल गेम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, तुम्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया क्या? तुम डोप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई। डोप टेस्ट? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम। डोप टेस्ट में कैसे फेल हो सकती हूँ मैं? मारिया प्लीज काम डाउन, आराम से। क्या आराम से? तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, कैसे शांत हो जाऊँ? प्लीज मारिया, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं। मैं काउंसिल के पास जाऊंगी। किसी ने जानबूझकर रिजल्ट में छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की क्यों? तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने के बाद की अफवाहें तो तुम्हें पता ही है। कोई है जो उनसे बदला लेना चाहता है। मैं ये नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगी, इसके खिलाफ अपील करूंगी मैं। मुझे बताओ मारिया, इससे क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होगा इससे। पता है ना, नेशनल गेम्स शुरू होने में बस 10 दिन बचे हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी बहुत पहचान है, हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो नहीं चाहते कि तुम टीम में हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो मारिया, प्लीज। मारिया, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। मारिया, टीचर हम तैयार हैं। हाँ टीचर, हम खेलेंगे। आप बताइए हमें क्या करना है। हाँ टीचर, चलिए ना टीचर, चलिए ना टीचर, प्लीज चलो। तुम में से कितनों को खो खो खेलना आता है? तो बताओ गेम में कितने राउंड होते हैं? एक राउंड। दो। एक। गलत, 4 राउंड। 2 राउंड चेसिंग के, 2 राउंड डिफेंसिंग के। बताओ एक राउंड कितने मिनट का होता है? 5 मिनट। 6, 5, 10। गलत, 9 मिनट का होता है। अब मैं फिर से तुमसे पूछती हूँ, तुम में से कितनों को आता है खो खो खेलना? देखो मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से खो खो खेल रही हो, पर जो अब तक तुम लोगों ने खेला वो असली खो खो नहीं था। अब तक जो तुम लोगों ने सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ। ये पहला पोल है और ये दूसरा। हम बीच वाली लाइन को सेंट्रल लाइन बोलते हैं। सेंट्रल लाइन पर 8 स्क्वायर्स होते हैं। हर स्क्वायर में एक चेजर होता है। बचा हुआ एक चेजर पोल के पास यहाँ होगा। इस खेल में ग्राउंड पर 9 चेजर और 3 डिफेंडर होते हैं।
चेजर केवल एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? पोल पर पहुंचने के बाद डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या फिर ऐसे चेजर को खो देंगे जिसका मुंह दूसरी तरफ हो, पर डिफेंडर जैसे चाहे वो वैसे भाग सकता है किसी भी डायरेक्शन में ऐसे। चेजर के टच करते ही डिफेंडर आउट हो जाएगा। डिफेंडिंग टीम के मेंबर को आउट करने से चेजिंग टीम को पॉइंट मिलता है। सेंट्रल लाइन पर पैर पड़ा तो बिना खो के उठ गए तो चेजर ने डायरेक्शन चेंज की तो खो के अलावा कुछ और बोले तो अंजू, तुम गई नहीं? नहीं, मेरे पास छाता है, चलो साथ में चलते हैं। नहीं, आप जाइए टीचर, मुझे बारिश से डर लगता है। ठीक है, तो फिर मैं भी रुकती हूँ। फिफ्थ स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम वाले दिन ऐसी तेज बारिश हो रही थी। मम्मी ने काम पर जाने से पहले मुझे स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि शाम को हम मंदिर वाले मेले में जाएंगे। जब मैं एग्जाम में लिख रही थी, बिंदु टीचर ने बताया कि शिव कुमार सर मुझे बुला रहे हैं। मैं उनसे मिलने चली गई और जब मैं उनके पास पहुंची तो मेरे दो पड़ोसी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे घर चलना होगा, कुछ इमरजेंसी है। मैंने मना किया क्योंकि मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि शाम को वो मुझे मेले में लेकर जाएगी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए। उस दिन उस बारिश में उस बरामदे में मैंने जाना कि मेरी मम्मी अब मुझे कभी लेने नहीं आएगी। अब से जब भी यहाँ बारिश में खड़ी होती हूँ तब मैं उस गेट की तरफ देखती हूँ, इसी इंतजार में कि मम्मी मुझे लेने आएंगी। प्रिंसिपल साहब से तुम्हें ही बात करनी चाहिए थी ना, आप कुछ नहीं कर सकते क्या? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे टीचर, गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग सर, आप ही का वेट कर रहे हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हां लेकिन शांत रहिए। क्या हुआ सर? मारिया, ये अपनी खो खो टीम प्लेयर्स के पेरेंट्स हैं। नमस्ते, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं अंजू का पापा हूँ। हम अपनी लड़कियों को तुम्हारे खेल के लिए स्कूल से बाहर जाना अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन सब तैयारियां हो चुकी हैं। अरे हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि खेलने कूदने के लिए। काश हम ये गांव छोड़कर चले गए होते। देखिए बच्चों का फ्यूचर खराब मत कीजिए प्लीज। देखिए बच्चों के फ्यूचर को कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है उन्हें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर हम अपने बच्चों को ओलंपिक में भेजना नहीं चाहते। देखिए हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम जानते हैं हमारी लिमिट क्या है। हमारे बच्चों को उल्टे सीधे सपने दिखाना बंद कीजिए। ये बताइए, हम आपके भरोसे अपने बच्चों को दूसरे गांव में भेजे ही क्यों? समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अकेले कैसे भेज दूं? जॉब के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, वो भी अकेले। यहीं पास में कोई जॉब देख लो ना, ये भी तो कितनी अच्छी जगह है। मारिया ये बताओ, तुम्हें लाइफ में सिर्फ पैसे ही चाहिए क्या? अगर तुम घर की देखभाल करो तो मैं अपना बिजनेस जमाता हूँ अच्छे से। पता नहीं क्या चाहती हो तुम मारिया। तुम एक बार आराम से मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी। मुझे और मम्मी को छोड़कर तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना है, यही कहना है ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, है तो मेरी माना।
तुम नहीं जाओगी, बस ये फाइनल है। बैठ जाओ यहां। क्या हुआ? देखो तुम आराम से मेरी बात सुनो, ये जॉब हम तीनों के लिए है। तुम जानते भी हो हमारे ऊपर कितना उधार चढ़ा हुआ है, ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बिना सोचे समझे तुमने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ खो दिया, अब बचा क्या है हमारे पास? हाँ देखो मेरी बात मानो तुम, ये जॉब ही अब आखिरी उम्मीद है, बताओ इसे कैसे छोड़ दूं? हाँ देखो अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मम्मी को साथ जाने दो। नहीं 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 प्लीज, इतना बड़ा त्याग मत करो। त्याग कैसा? और नहीं तो क्या, तुम जब नहीं थी ना तभी मैं अपनी माँ की देखभाल करता था, तुम मेरी तरह उनका ध्यान कभी नहीं रख सकती। बेन मेरी बात समझो प्लीज, मम्मी को मेरी जरूरत है। हाँ मैं उनका ध्यान रखूंगी प्लीज। प्लीज मैंने कहा ना उन्हें यहीं रहने दो, तुम्हें जाना तो जाओ ना, अपना वो बकवास सा जॉब करो जाके, मम्मी को मैं संभाल लूंगा। मैं वहाँ पर कैसे चैन से रहूंगी अगर तुम दोनों यहाँ हो तो? जिद मत करो ना बेन प्लीज। मेरा जवाब फाइनल है, मम्मी यहाँ मेरे साथ ही रहेंगी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मेरी मम्मी का ध्यान मैं रखूंगा, दैट्स फाइनल। बेन। हाँ मम्मी, बस अभी आया। टीचर एक रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों को बहकाइए मत, अभी वो इतने मैच्योर नहीं है कि भला बुरा सोच सकें। जब से मैंने लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू की है तब से मुझे पता था कि ऐसी मीटिंग होगी। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है उनका आत्मविश्वास, उनका नजरिया ही बढ़ गया है, खो खो उनके खून में है। जरा सोच कर देखिए अगर वो स्टेट या नेशनल लेवल पर पहुंच गई तो उनके पास अच्छी जिंदगी होगी, अच्छी जॉब होगी उनके पास। मेरे पापा भी आपकी तरह ही साधारण इंसान थे पर उनका सपना बहुत बड़ा था और उन्होंने मुझे उस सपने पर भरोसा करना सिखाया, इसीलिए मेरे पास आज नौकरी सैलरी और सब कुछ है। मैं सिर्फ आपसे ऐसा ही एक मौका मांग रही हूँ, देखिए मैं कल सुबह घाट पर लड़कियों का इंतजार करूंगी। अगर सारी लड़कियां आईं तभी हम मैच खेलेंगे। मैडम मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है, पेरेंट्स उन्हें भेजेंगे नहीं। 10 मिनट और देखते हैं। कोई फायदा नहीं है मैडम, वो लड़कियां नहीं आने वाली हैं। पर अगर उनमें से एक भी आई तो मैं उसे ग्राउंड में जरूर ले जाऊंगी और उसे दिखाऊंगी कि उसकी उम्र की लड़कियां कैसे दुनिया को जीत रही हैं। मैडम देखिए, खो दो। आउट। यस।
चलो चलो आ जाओ आ जाओ। नहीं रहने दो टीचर डांटेगी। कुछ नहीं होगा लो। मैंने कहा ना रहने दो। आ ना। नहीं नहीं। भले ही वो हाँ, कैसा भी हो। जानती हूँ उसे। है तो बहुत ही अच्छा इंसान। हाँ वो बहुत हम दोनों अच्छा की बहुत बनती है। अंजू। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैडम हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शिवा तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ मैडम? गेम खत्म होने के बाद साथ में जाते हैं? नहीं तुम पहले ही जाओ, अभी जाओगे तो बस मिल जाएगी। जाओ। अगर मैं शिवा से बात करूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है टीचर? अंजू तुम टीम की कैप्टन हो, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं। चलो जाओ यहाँ से। हम बुलाना चाहेंगे सेंट मैरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को। बहुत दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? हाँ क्या है ये सब? क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है। तुमने बाहर का कुछ खाया? बताओ ना खाया है क्या? हाँ डरो मत, सच बताओ तुमने बाहर का कुछ खाया? आइसक्रीम खाई थी टीचर। कहाँ से? कैंटीन से टीचर। अब ये दोनों फाइनल नहीं खेल पाएंगी, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 10 प्लेयर हैं, वहाँ केवल एक सब्स्टिट्यूट होगा। चोट लगने पर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सबको ध्यान से खेलना होगा। सॉरी टीचर। कोई बात नहीं, तुम रो मत अब। सॉरी टीचर, मैं ही इनको लेकर गई थी। इट्स ओके, जानती हूँ पहली बार दोस्तों के साथ बाहर आने में कितना मज़ा आता है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती का खामियाजा पूरी टीम को उठाना पड़ता है। गलतियाँ होती हैं पर कोशिश करना कि दोबारा ना हो, ठीक है? मैं दवा लेकर आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मुश्किलों से अब तू लड़ जा, जिद पे अपनी अब तू अड़ जा। हिम्मतों से काम ले तू, जिद के पीछे अब तू पड़ जा। सूरज की तरह आग तेरे बदन में है भरी, जज्बों से अपने तेरे मन के डर को हरा। तू आंखें खोल, उड़ान भर, दिखा दे अब तू जीत कर। हुआ जो कल वो भूल कर, मुट्ठी में कर के दुनिया को दिखा दे। चल बिन परों के उड़ के दिखा, तू जुनून ऐसे दिखा। धड़कनों से तेज दौड़ने, आंधियों से लड़ कर दिखा। बिन परों के उड़ के दिखा, तू जुनून ऐसे दिखा। धड़कनों से तेज दौड़ने, आंधियों से लड़ कर दिखा। रंग लाएगी तेरी मेहनत, आगे बढ़ना जारी रख। होंगे सारे सपने पूरे, तू अपनी लय भारी रख। सुन ये हवाएं गीत गाती है तेरी जीत की, आए सदाए आज बारी है तेरी जीत की। बिन परों के उड़ के दिखा, तू जुनून ऐसे दिखा। धड़कनों से तेज दौड़ ले, आंधियों से लड़ के। बिन परों के उड़ के दिखा, तू जुनून ऐसे दिखा। धड़कनों से तेज दौड़ ले, आंधियों से लड़ कर दिखा। बिन परों के उड़ के दिखा,
तू जुनून ऐसे दिखा, धड़कनों से तेज दौड़ ले, आंधियों से लड़ कर दिखा। सर हाँ क्या है? इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट इशू है, एक बार देख लेते हैं। हमारे बच्चों की फोटो अखबार में है, आप मारी है, मजा आ गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्चुअली अभी हम कहीं नहीं पहुंचे हैं सर, सच कहूं तो अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही क्वालिफाई हुए हैं हम लोग। अगर हम जीतते हैं तभी स्टेट लेवल पर पहुंच सकते हैं। लगता है ये गेम अब टीचर की फुल टाइम हॉबी हो गई है। ये हॉबी नहीं है सर, मेरी जॉब है। देखो मारिया, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम आगे बढ़ो मारिया, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें बच्चों को आगे निकलते हुए देखना है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। एक्चुअली सर मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे। सर हमें लड़कियों को कम से कम एक स्पोर्ट जर्सी तो देनी ही होगी सर। जर्सी? हाँ, वो दरअसल उनकी स्पीड और सुविधा के लिए बहुत जरूरी है, स्कूल यूनिफॉर्म में हो नहीं पाता। अच्छा विनोद, इसके लिए हम फंड तो ले सकते हैं ना? पैसे का मामला है सर, थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। दीपिका सीधी बनाओ, सीधी। हाँ ठीक है, बढ़िया। सर मैंने जर्सी के लिए फंड अरेंज कर दिया है, अब आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। लाइन सीधी बनाओ। शिवा लड़कियां ग्राउंड मार कर रही हैं, हेल्प क्यों नहीं करते तुम? थोड़ी हेल्प कर दो उनकी। आज कितना मजा आया, कितना मजा आया ना, मेरे हाथ में भी चोट लग गई। अरे तुम लोग आ गई, ये क्या है शिवा? ये तो नई जर्सीज हैं। सुनो कल तुम सब ये पहन के आना। शॉर्ट्स कहाँ है? घर पे टीचर। तुम्हें घर रखने के लिए दिए थे? हाँ तुम्हें इसका पर्पस पता है? टूर्नामेंट में बाकी लड़कियां कितनी तेज थी देखा ना? हम तो स्कूल यूनिफॉर्म में भी जीत गए थे ना। अच्छा तुम अपने अच्छे खेल की वजह से नहीं उनके खराब खेल की वजह से जीते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड में खेल खत्म। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अगर किसी को लगता है कि वो परफेक्ट प्लेयर है तो अभी टीम से बाहर निकल जाए। कान खोल के सुन लो, कल की प्रैक्टिस में मुझे कोई शॉर्ट्स के बिना नहीं दिखना चाहिए, समझे? आउट। क्या? क्या क्या हुआ? टीचर ने कहा पहनने के लिए, दांत मत दिखाओ। क्या हुआ? जाओ ना, जाओ जाओ। क्या हुआ टीचर? वो क्या हुआ? मैं आज प्रैक्टिस पे नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों? टीचर वो क्या है ना, इसे पीरियड आया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम करो। ओके टीचर। हाँ चलो। सर सर 2 मिनट बस बात करनी है आपसे प्लीज। हाँ बोलो। सर हमें टीम के लिए 2 प्लेयर और सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन क्यों? सर सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा। अच्छा। अगर कोई प्लेयर खेल में घायल या बीमार हो जाता है उसके रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए होगा। तुमसे एक बात कहूँ मारिया, मेरी बेटी है ना कानी, तुम उसे अपनी टीम में ले लो, उसका कॉलेज में एडमिशन भी आराम से हो जाएगा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और डांस में भी बहुत अच्छी है। सर मैंने पहले ही 2 सिलेक्ट कर ली है। तो क्या हुआ, 3 कर लो ना।
सब लोग इधर आ जाओ। देखो ये दोनों प्लेयर आज से हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हैं, वीणा और अमला। थैंक यू। देखो टीचर, कानी तुम टाइम पर क्यों नहीं आई? ये कानी है, ये भी हमारी टीम को ज्वाइन करेगी। हाँ क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लो दिखाओ मुझे, सब ठीक हो जाएगा। तुम ध्यान से क्यों नहीं दौड़ती हो? क्या हुआ? इसे चोट लगी है मैडम। उठ जाओ, उठो। उठा नहीं जा रहा है टीचर। चलो कोशिश करो उठने की। जंप करो, जंप करो ना। आराम से, आराम से करो। तुम सही से करो ना। ठीक तो हो, जाओ यहाँ से जाओ। ठीक है शिवा, मैंने 1000 बार कहा है वही करो जितना कहा जाए, जब जरूरत होगी तो बताऊंगी। पर मैडम तुमने सुना नहीं, जाओ। क्या कर रहे हो तुम सब? टीम पूरी क्यों नहीं है? अंजू और कानी नहीं आई टीचर। ठीक है जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, चलो। अंजू कहाँ है? उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उससे कहना मुझसे मिलने के बाद ही प्रैक्टिस ज्वाइन करे। तुम सुबह क्यों नहीं आई कानी? टीचर वो क्लास टेस्ट था तो पापा ने कहा आज प्रैक्टिस में जाने की जरूरत नहीं। नवमी अपने बालों से हाथ हटाओ। प्रैक्टिस के लिए आई हो ना, एक राउंड लगाओ चलो। सुबह तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? सुना नहीं तुमने, बताओ मुझे क्यों नहीं आई तुम? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। ओह तो अब तुम अपने हिसाब से चलोगी? एक ऐसी टीचर की बात सुनने से तो अच्छा है कि मत सुनो जो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालती हो। मैं अपने फैसले खुद लूंगी। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गई? हेलो। हेलो हाँ मैं थिएटर में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो बेन, आवाज नहीं आ रही, कॉल करता हूँ। क्या हुआ मैडम, आज आप काफी सीरियस लग रही हैं, बताइए हुआ क्या है? कुछ नहीं। बेन, शिवा, अंजू, इतने सब नाम एक साथ चल रहे हैं ना दिमाग में। अंजू अभी बच्ची है पापा, अगर वो ऐसी किसी रिलेशनशिप में होगी तो उसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा, वो अभी ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं तो सिर्फ। तो बेटा तुम भी ये मानने लगी हो कि रोमांस करने से एथलीट का फ्यूचर खराब हो जाता है, सही कहा ना? मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, जब मैंने कहा कि मुझे बेन पसंद है तो आपने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपको वो उस वक्त सही लगा, या फिर आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है कि आपको मेरा करियर छोड़ना और बेन के साथ एक छोटी लाइफ जीना पसंद नहीं था, पर आपके बिना अकेले मुझे नहीं लगा था कि मैं आपके बिना कुछ अचीव कर पाऊंगी पापा।
मैंने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं हार गई पापा, हार गई मैं। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। खाना खाया तुमने? मैडम। आइए, अंदर आइए ना। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ टीचर। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे बात करता हुआ जाऊँ। हाँ बोलिए ना। पहली बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने अंजू को आपकी टीम में शामिल करने से मना किया था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप अंजू को अपनी टीम में शामिल कर लें। उसने मुझे बताया कि कल स्कूल में क्या हुआ था। मैं मानता हूँ कि गलती उसकी है, अभी बच्ची है ना, इस उम्र में गलती हो ही जाती है। दरअसल वो अकेलापन सहन नहीं कर पाती है ना, लेकिन आपको वो बहुत पसंद करती है। कुछ उसने गलत किया है तो आप उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं आप... वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अगर मैं उसकी किसी बात को ना मानूं तो फिर पूरे दिन खाने को हाथ नहीं लगाती। उसके उदास होने से अब मैं परेशान हो जाया करता हूँ। अब जैसे पानी के बिना मछली हो जाती है। सच बताऊं टीचर, बहुत दिनों बाद अंजू अब जाके थोड़ा खुश रहने लगी है। इसके लिए भी मुझे आपको धन्यवाद कहना था। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप भी ना। मैं बेटी का बाप हूँ टीचर, मैं कभी भी उसके आंसू सहन नहीं कर सकता। कभी कभी इंसान को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। देखो अंजू, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे आगे फ्यूचर पड़ा है। जरा सोचो इस बारे में, हाथ के साथ जिद भी धो लो और आ जाओ प्रैक्टिस पर। देखो स्टेट चैंपियनशिप का रास्ता अभी बहुत लंबा है। आज से हम कुछ नई स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? जैसे पोल डाइविंग, डाइविंग वगैरह वगैरह। तो शुरू करें? तो फिर लगाओ 5 राउंड, चलो। कम ऑन, फास्ट, यस। In the rage, I'm boosting all my confidence. Come on, everybody, energize me up again. I need you, non-stop applauses. Just like how you did when I won the hearts of them. Come on, let's win them now. Don't back it up, nothing's gonna pop again. No one can stop me from reaching my goals. My aim is to get on the top of the throne. Cocoa is the game, straight from the core. Smack me like coal, I run for your goal. बालों को जर्सी के अंदर डालो, इनको भी हाथ लगा तो आउट, बॉडी पर कहीं भी टच लगा तो आउट। क्या कर रही हो अंजू, ऐसे कॉन्सेंट्रेट करोगी? जाओ 5 राउंड दौड़ो। चलो चलो, तुम कर लोगी, बहुत सही, आ जाओ जल्दी। यस यस यस।
तुम डर गई क्या बेटा? अच्छा है बेटा, उन्हें लगता है कि यह सब करके वो तुम्हें डरा देंगे। वो चाहते क्या है पापा? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पास सबूत है कि आप नशे में नहीं थे। हॉस्पिटल के मुताबिक पुलिस स्टेशन और बाकी जगह के भी। मैंने तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बेटा। तुम सो जाओ बेटा, तुम्हारे सोने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें कल सुबह उन बच्चों के पास भी तो जाना है। ये पत्थर सिर्फ तुम्हारी खिड़की को तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की सच्चाई को ये किसी भी तरह छू भी नहीं सकते बेटा। यही सच्चाई है और यही सीख तुम्हें हमेशा हिम्मत देगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सो जाओ बेटा, डरो मत, सो जाओ। मारिया। सर क्या हुआ? मेरी बेटी इन मैचों में कहीं नहीं दिखी, कहीं तुम उसे जानबूझकर तो बाहर नहीं रख रही हो? हाँ सर, वो कानी का फिटनेस लेवल लड़कियों के बराबर नहीं पहुंचा है, उसे फिट होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। सर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, कल मेरी बेटी कानी खेलेगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं तो इस स्कूल की कोई भी टीम कहीं नहीं खेलेगी। आपकी कोच कहाँ है? टीचर। हाँ टीचर, यहाँ आइए प्लीज। हाँ अभी आई। क्या हुआ सर? ये लड़की फाइनल के लिए फिट नहीं है। हाँ? इसका वजन इस कैटेगरी के इंडेक्स से ज्यादा है। हाँ? कितना ज्यादा वजन है सर? यही करीब 1.5 किलो सर। कुछ सॉरी मैडम, अब कुछ नहीं हो सकता है। अंजू टीम की बेस्ट प्लेयर है और टीम कैप्टन भी है। मैं एक प्लेयर के लिए रूल्स नहीं बदल सकता, कुछ भी कह रही हैं आप। प्लीज सर, प्लीज। अभी भी 5 घंटे बाकी हैं। अगर इसका वेट कम हो जाता है तो देखते हैं। सर ये तो बहुत कम टाइम है सर, कुछ कीजिए ना। अरे मैडम क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं हमें, चलो नेक्स्ट प्लेयर को बुलाओ। इधर आओ। अंजू क्या किया तुमने, क्या खाया ऐसा? हाँ कुछ नया खाया, कुछ दवाई खाई क्या? दवाई ली थी मैंने टीचर। क्यों? पीरियड्स आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो गेम खराब हो जाता। अंजू ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी क्या?
टीचर मैं इतनी दूर सिर्फ मैच देखने नहीं आई, मुझे फाइनल खेलना है। अब बताइए मैं क्या करूं। चलो संजना, दीपिका, नवमी, श्रीलक्ष्मी, पहले तुम लोग जाओगी और अंजू हमारी पहली सब्स्टिट्यूट होगी। लेकिन टीचर ऐसा क्यों? देखो इस हालत में तुम लास्ट तक नहीं खेल पाओगी, तुम अभी बहुत थक गई हो, हमें लास्ट राउंड में तुम्हारी फुल एनर्जी चाहिए। चलो सब लोग वार्म अप करो। जाओ पहुंचो। कम ऑन फास्ट। वहां से क्यों दौड़ रही हो? चलो जल्दी। नवमी, कानी पास करो इसे। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? पानी की बोतल दो इसे। अब सब लोग सुनो, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या फिर हारो, तो हार से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि स्पोर्ट्स केवल जीतने और हारने के लिए है, इसीलिए मैंने कभी ट्रैक पर अपना कोई पल एंजॉय ही नहीं किया है। बस एक बात याद रखना कि यहां पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, और वैसे भी अगर तुम अपना
बेस दिए बिना ही हार गए तो इस बात का अफसोस तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। खो खो तुम्हारे लिए सिर्फ खेल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम में से एक भी पीछे रहा तो सबके सपने टूट जाएंगे। जब तुम ग्राउंड पर जाओगे तो ये सब मत भूलना। अब सबको दिखा दो कि चैंपियंस कैसे खेलते हैं। लग रहा है जैसे बच्चे सिर्फ खो खो खेलने ही स्कूल आते हैं। हाँ मैडम, कौन है? आपसे कोई मिलने आया है? कब आए तुम? टीचर, टीम में कोई वैकेंसी है तो मुझे भी ले लो, बहुत दिन से बेरोजगार। मैडम इन्हें यहीं वेट कराने वाली है, अंदर नहीं जाएंगी। तुम्हें ये कहाँ मिल गए? अरे वो सारी बातें छोड़िए, मुझे पूछिए मत। आइए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मम्मी को कॉल किया? सांता है उनके पास, दोनों टीवी सीरियल देखने में बिजी होंगे। ये तो सच में मेरे लिए सरप्राइज था बेन। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लग रहा था। हाँ पता है। क्या? कि तुमने मिस किया। अच्छा, I'm sorry, उस दिन मैंने बहुत गलत बोला। मुझे पता है हम पर जो कर्जा है उसकी वजह मैं ही हूँ, और जो तुम इतनी परेशानियां झेल रही हो वो भी सिर्फ मेरी वजह से। पर पता है मैं यहाँ पर क्यों आया? तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए। जोसेफ अंकल याद है तुम्हें? हाँ? उन्होंने दुबई के लिए मेरा वीजा लगवाया है। मैं 2 हफ्ते में यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद वहाँ मैं सेटल हो जाऊंगा और तुम्हें भी बुला लूंगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगी।
तुम्हारे लिए वहां पर एक अच्छी सी जॉब भी ढूंढ लेंगे। तुम्हारे साथ हर चीज जल्दबाजी में ही होती है। वो दिन याद है तुम्हें? तुम्हारे साथ भीड़ वाले थिएटर में बैठकर मूवी देखना बहुत मिस करती हूँ। जब पहली बार मैं यहाँ आई तो मुझे सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में ही फिक्र रहती थी, लेकिन अब मेरा मकसद कुछ और ही है। महीने के लास्ट में ही स्टेट टूर्नामेंट है। सारी की सारी लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे उन्हें वहाँ ले जाना है जहाँ तक वो जा सकती हैं। उन्हें बड़े सपने देखना सिखाना है। अगर एक लड़की भी आगे बढ़ती है ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार वो अपने सपने देखना सीख जाए तो फिर उन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद तुम जहां भी कहोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूंगी। मारिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा करियर मेरी वजह से खराब हो गया? कभी ऐसा लगा कि हम दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए थी? देखो, अगर तुम नहीं होते तो मैं लड़ाई किससे करती? और फिर कौन मुझे मनाता? हाँ, जैसा तुमने कहा, मुझे भी दुबई में जॉब मिल जाएगी तो उसके लिए वीजा बनवाना शुरू कर दो। मैं सोच रहा था कि मम्मी को तुम्हारे पास लाके छोड़ दूंगा, पर तुम्हारा स्टेट टूर्नामेंट है तो कोई बात नहीं, मैं सैंथा को बोल दूंगा, वो देख लेगी। अरे नहीं, मम्मी को मेरे साथ ही रहने दो प्लीज। अब दोबारा इस टॉपिक पर मुझे कोई बहस नहीं करना है। हाँ, कुछ हफ्तों की तो बात है, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा काम है। ओके, थैंक यू। टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। टीचर आ गई। मेरे बच्चे को मार देगा टीचर। जब वो मुझे टॉर्च से मार रहा था, मुझे बचाने के लिए ये बीच में आ गई। डॉक्टर ने कहा फ्रैक्चर है। टीचर, स्टेट लेवल खेल पाऊंगी ना टीचर? मैं टूटे हाथ से भी डिफेंस में खेल सकती हूँ ना टीचर? अगर तुम खेलना चाहती हो तो तुम खेलोगी, ओके? अब यही इसका सपना बन गया है, एक बड़ी खिलाड़ी बन के मुझे यहाँ से ले जाने का वादा किया है। हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे भी जुड़े होते हैं। ये मैं नहीं समझ पाई, पर ये गलती तुम लोग मत करना। जब आप अपने सपने से पहले हार मानते हैं तो आप लोगों से जुड़े हुए लोगों की भी उम्मीद टूट जाती है। जब भी थका हुआ महसूस करो उनके बारे में सोचना, फिर और ताकत से आगे बढ़ना। चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। कोई भी परेशानी तुम्हारे हौसले से बड़ी नहीं है। दीदी, जब तक ये ठीक नहीं होती मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? इसके बाप को तो इसका खेलना भी पसंद नहीं है, अगर मैं इसे खेलने को भेजूँ तो और दिक्कत हो जाएगी। टीचर, मीनाक्षी के पापा आ रहे हैं। टीचर, आप चले जाइए, उससे कुछ भी बोलना मत, अब जाइए। तुम अपना ख्याल रखना, कोई भी दिक्कत हो तो बताना दीदी। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आज के बाद उसे हाथ मत लगाना। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? मैं उसका बाप हूँ, मेरी जब मर्जी होगी मैं उसको मारूंगा, चाहे तो जान से भी मार सकता हूँ। अगर अब तुमने उसे हाथ लगाया ना तो अगले दिन खड़े नहीं हो पाओगे तुम। क्या कर लेगी तू? जब हम पोल से टर्न लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें आगे धकेलता है। अपने पैर पोल के पास रखे तो हम फोर्स को सही डायरेक्ट कर पाएंगे। मैं दिखाती हूँ। हाँ, ऐसे ही अगर पैर पोल के पास रखेंगे तो आगे जाने के लिए ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। ये वाला है, जरा ज़ूम करके देखो। ये देखो। हाँ। आपको वो एक्सीडेंट याद है जो गांव के हाईवे पर हुआ था? हाँ, क्यों नहीं याद होगा। उस एक्सीडेंट में इस गांव के 20 लोग मारे गए हैं। वो बस मारिया टीचर के फादर चला रहे थे। लोग कहते हैं कि पिए हुए थे इसलिए बस कंट्रोल नहीं कर पाए। याद आया, पर इन सब में मारिया टीचर की क्या गलती है? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। अच्छा पूछा आपने। आपका कोई फैमिली मेंबर मरा होता तो ऐसा सवाल करती क्या? तब तो दर्द महसूस हुआ होता ना। सही कहा। मेरा एक दोस्त है जो भी। अच्छा, वो कौन? हाँ वही, उसकी बीवी और 4 साल की बेटी उस एक्सीडेंट में मारे गए। उसी ने मारिया टीचर को पहचाना। उसी ने मारिया टीचर को कई बार पुलिस स्टेशन में और इंश्योरेंस ऑफिस में देखा था। मारिया बहस कर रही थी कि उसके पापा नशे में नहीं थे। वो ऐसी बात? हाँ, सब जोवी ने मुझे बताया। मारिया टीचर को मत बता। टीचर आ गई। आ गई। कई मरने वाले के रिश्तेदारों ने आग लगाई होगी। इसकी हालत खराब होने वाली है।
अरे तुम यहाँ बारिश में मत भीगो, अंदर आ जाओ। मेरी लाइफ में क्यों आई आप? मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ के हत्यारे की बेटी है। नशे की हालत में आपके पापा ने मेरी माँ को एक्सीडेंट में मार दिया। मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी और आपके पापा ने मुझसे सब छीन लिया। अंजू बहुत हुआ, देखो जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंजू। आप भी अपने पापा की तरह हो, बहुत बुरी। मैं आपको पसंद करती थी, भरोसा करती थी, आपकी तरह बनना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। अंजू देखो मुझे सच में नहीं पता था कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ गुजर गई। आप अभी भी झूठ बोल रही हैं। मैं अब आपको देखना भी नहीं चाहती, नफरत करती हूँ मैं आपसे। स्टेट टूर्नामेंट रबर टर्फ पे खेला जाएगा, जूते चाहिए होंगे नहीं तो लड़कियों को चोट लग जाएगी। मैंने पैसे अरेंज कर लिए हैं। अंजू का? अंजू अभी तक आई नहीं है। एक सुबह की बात है, अचानक से हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को खो दिया था। हम किस्मत से हार गए। उस एक्सीडेंट में मैंने न सिर्फ अपने पापा को खोया, अपना करियर भी खो दिया। पर पता है, तुमने तो अभी शुरू किया है। खोखो में चेजर हमेशा एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है, तुम्हें भी आज वही करना है। जब तक तुम जीत ना जाओ तब तक पलटना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजू तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ को प्राउड होगा। देखो बीती हुई जिंदगी की यादों में आने वाले भविष्य को तुम बिल्कुल भी मत ठुकराओ। ये मेरे पापा का मेरे लिए आखिरी गिफ्ट है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इन्हें इंडियन जर्सी के साथ पहनूंगी। मुझे नहीं पता ये तुम्हें आएंगे या नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैच शुरू होने वाला है। नहीं होगा, मैं घर जा रही हूँ। तुम क्यों जा रही हो? मारे टीचर से प्रॉब्लम है ना? वो तो पहले ही जा चुकी है और अब तुम भी जा रही हो। पर वो क्यों गई? ताकि तुम आराम से खेल सको।
चलो वार्म अप करते हैं। हाँ। शिवा मारिया टीचर कहाँ है? टीचर कहाँ है? हम कैसे खेलेंगे? टीचर चली गई है। क्या? उन्होंने कहा कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। बिना बताए? वो हमें बिना बताए कैसे जा सकती हैं? उन्होंने बताया नहीं कि फर्स्ट कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो। खिलाड़ी टीमें जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर पहुंचे, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जल्दी आए प्लीज। कैसे खेलेंगे हम लोग? हम यहाँ तक आए हैं तो खेले बिना नहीं जाएंगे। आज हम बिना किसी के सपोर्ट के खेलेंगे। तो रेडी हो? पर टीचर के बिना कैसे? जवाब दो, रेडी हो या नहीं। तो चलो। लगता है हम हार जाएंगे। सही कहा, लगता है टीचर के बिना हम नहीं जीत पाएंगे। सही कहा, टीचर के बिना हम नहीं जीत पाएंगे। टीचर ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए कहा है, अगर मैच खेलते वक्त तुम उन्हें बहुत मिस करो तो। क्या क्या
कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो गलतियां उन्होंने की है तुम उन्हें रिपीट मत करना। मुझे नहीं पता क्या गलतियां हैं, उन्होंने कहा तुम जानती हो। स्पोर्ट्स जीतने के लिए है, हारने के बारे में नहीं सोचना। हमें हार से डरना नहीं चाहिए, हमें यहाँ तक पहुँचने के बाद हार नहीं मानना चाहिए। हमें कॉम्पिटिटर को नहीं, हमें अपने आप को देखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं हैं। हार मानने से पहले उनके बारे में सोचो जिन्हें हम प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कभी गिव अप नहीं करना, कभी गिव अप नहीं करना। फाइट!
पता था तुम जीतोगे। टीचर आप रुक नहीं सकती, सिर्फ पहला राउंड हुआ है, चार राउंड बाकी है, रुक जाइए ना। क्या आप तब तक नहीं रुक सकती टीचर? नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मैंने किसी को प्रॉमिस किया है जल्दी आऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आप गई तो क्या आप वापस नहीं आओगी? मैं चलता हूँ। तैयार हो गए? सब ले लिया ना? सब ले लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या? मैं कुछ भूला तो नहीं ना? पर्स रख लिया? हाँ रख लिया। चाबी रखी? वो भी रख ली। तो बस चलो जाओ। पक्का जाऊँ? हाँ जा रहा हूँ। जाओ। पक्का ना? मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेट हो रहे हो। याद आया? हाँ ये भूल रहा था। In a short while from now, we are going live from the studio to the Bussing Indoor Stadium in New Delhi for the finals of the South Asian Khokho Tournament. In the women's finals, India will take on the in-form Bangladesh team. Forever I could keep my spirits going. One day I'll
your energy.